एनडीए ग्रुप सी के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और गाइज टाइम बहुत कम है, तो आपको पढ़ना कैसे है, कैसे टाइम टेबल रखनी है, स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है, किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है, सभी डिटेल आपको समझाऊंगा। और गाइज कहीं ना कहीं आपको एक मिनट की मोटिवेशनल स्पीच यानी तर्क सहित आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको मोटिवेशनल मिलेगा और पढ़ने पर आपका ध्यान भी लगेगा और सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो पे आए हो तो पूरा देख लो, कहीं ना कहीं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट क्या थी। गाइज 251 पोस्ट थी और एनडीए के नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हम रिटर्न एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे इनटू 10 यानी कि 1:10 की रेशियो में कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करेंगे, तो यहाँ पे 2510 कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे। और गाइज जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है और मेरी पहली भी वीडियो चल रही है, एटलीस्ट 15 से 20-25 कैंडिडेट के मुझे मैसेज आए, स्टूडेंट के मैसेज आए हैं कि मेरे फॉर्म में ये गलती होगी, मेरे फॉर्म में ये गलती होगी, मेरे फॉर्म में ये गलती होगी। तो कहीं ना कहीं उनका रिजेक्शन तो बनता ही है, क्योंकि किसी ने फॉर्म में अपने फादर के नाम की जगह अपना नाम डाल दिया, आधार कार्ड नंबर गलत भर दिया, ये बहुत सब चीजें हैं, छोटी छोटी जनरल चीजें हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, इसमें से हम लेकर चलेंगे करीबन 10% कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किए जाएंगे। अब 10% कैंडिडेट 251 यानी 250 कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट होंगे, तो टोटल यहाँ पे कैंडिडेट बचे, यहाँ पे हम लेकर चलते हैं 2250 कैंडिडेट यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देंगे। ठीक है, अब 250 कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए और 2250 कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम देंगे। ठीक है, और 2250 कैंडिडेट में एटलीस्ट 50 कैंडिडेट यहाँ पे लेट पहुंचेंगे, टाइमली नहीं पहुंचते। ठीक है, और गाइज बाकी बचिए 200 कैंडिडेट यहाँ पे आपके एबसेंट रहेंगे। ठीक है, टोटल एग्जाम में अपेयर होंगे 2000 कैंडिडेट, और 2000 कैंडिडेट भी नहीं हो सकते, जहां तक मुझे चांस लगता है 1700-1800 ही कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम में अपेयर होंगे। कैंडिडेट ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे 2000 कैंडिडेट लेकर चलेंगे। अब 2000 कैंडिडेट 250 वैकेंसीज के लिए, जैसे कि देखा जाए एमटीएस की 50 वैकेंसीज है, तो एमटीएस के कैंडिडेट ज्यादा होंगे, एलडीसी की वैकेंसीज कम है तो एलडीसी के कैंडिडेट भी कम होंगे। तो यहां पे जो आपका सिलेक्शन है ना, वो सिलेक्शन आपका 60% नंबर अगर आपके रिटर्न एग्जाम में है ना, तो कहीं ना कहीं चांस है सिलेक्शन होने के, 90% चांस है। और गाइस 60-70% अगर आपके नंबर बन जाते हैं तो 70% ऊपर से नंबर, तो आप बिल्कुल ही सिलेक्शन समझ लो अपना रिटर्न एग्जाम में 100 में से 70 नंबर यानी कि आने बहुत बड़ी चीज है। अगर इतने नंबर आते हैं तो सिलेक्शन पक्का, कहीं ना 60 और 70 के बीच में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पढ़ने की वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, गाइस सबका एक क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस को कैसे पढ़ना है। गाइस जनरल अवेयरनेस को कैसे भी नहीं पढ़ना है, गाइस आज से लेके जो आगे जनरल अवेयरनेस है वो मत पढ़ो, क्योंकि रिटर्न पेपर जो है वो बन चुका होगा इनका, अभी ये पूरी प्लानिंग कर रहे होंगे कि एग्जाम कैसे लिया जाए। तो आज से 6 मंथ की जनरल अवेयरनेस पढ़ लो, लगभग कम से कम 1 से 2 घंटा डेली आप जनरल अवेयरनेस के दो, बुक की मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 1 से 2 घंटा आप जो है जनरल अवेयरनेस को दो, जीके को दो, जो करंट अफेयर है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई भी तोड़ नहीं है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, पिछले 5 साल के बाद के क्वेश्चन पूछ ले या फिर कल होने वाली सभी करंट इवेंट्स के बारे में पूछ ले, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना मूर्खता है। और गाइज सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जनरल अवेयरनेस के करीबन 20 से 25 क्वेश्चन है, तुक्के मारना सभी में बी करके आ जाना, तो करीबन 5 से 6 नंबर जनरल अवेयरनेस में आपके आ जाएंगे। अगर ज्यादा टाइम दोगे तो लॉस आपका ही है। और टाइम किस चीज को देना, मैथ और रीजनिंग को यहां पे टाइम देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक तर्क द्वारा होता है, फार्मूले द्वारा होता है, और कहीं ना कहीं आपको एश्योरिटी रहती है कि मैंने मैथ में ये किया है तो मेरा ये बिल्कुल 100+1% यहां पे ठीक रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग आपका स्कोर यहां पे बढ़ा सकता है, और इंग्लिश भी आपका यहां पे स्कोर बढ़ा सकता है, इंग्लिश को भी यहां पे थोड़ा टाइम दो आप अपना, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन बहुत इजी है, बस आप थोड़ा स्मार्टली तरीके से पढ़ोगे तो यहां पे इजीली आपके हाथ में इस साल एक जॉब मिल जाएगी। गाइज बेस्ट ऑफ लक, डाउट है तो कमेंट्स कर सकते।